नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय योद्धाओं के बलिदान और उनके अतुल्य शौर्य की। बात है हाइपा युद्ध की। पराजय का इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों ने बड़ी सफाई से भारतीय योद्धाओं की अकल्पनीय विजयों को इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होने दिया। शारीरिक तौर पर मरने के बाद जी उठने वाले देश इजराइल की आज़ादी के संघर्ष को जब हम देखेंगे, तब हम पाएंगे कि यहूदियों को उनके ईश्वर के प्यारे देश का पहला हिस्सा भारतीय योद्धाओं ने जीत कर दिया था। वर्ष 1918 में हाइफा युद्ध में भारत के अनेक योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। समुद्री तट शहर हाइफा की मुक्ति से ही आधुनिक इजराइल के निर्माण की नींव पड़ी थी। इसलिए हाइपा युद्ध में भारतीय सैनिकों ने जो बलिदान दिया, उसे इजरायली आज भी स्मरण करते हैं, यहूदी आज भी स्मरण करते हैं। इजरायल की सरकार आज तक हाइफा, यरूशलेम, रामले और ख्यात के समुद्री तटों पर बनी 900 से अधिक भारतीय सैनिकों की समाधियों की अच्छी तरह से देखभाल करती है। इजरायल के बच्चों को इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में भारतीय सैनिकों के शौर्य पराक्रम की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को भारतीय योद्धाओं को सम्मान देने के लिए हाइफा के महापौर, इसराइल की जनता और भारतीय दूतावास के लोग एकत्र होकर हाइपा दिवस मनाते हैं। जहां एक तरफ हमारे लिए गौरव की बात है कि इसराइल के लोग भारतीय योद्धाओं के बलिदान को अब तक सम्मान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुख की बात है कि अपने ही देश भारत में इस महान जीत के नायकों के शौर्य के किस्से पढ़ाए और सुनाए नहीं जाते। हालांकि भारतीय सेना अवश्य ही 23 सितंबर को हाइपा दिवस मनाती है, अब हम समझ सकते हैं कि भारत और इसराइल के रिश्तों में एक दूरी होने के बाद भी, सार्वजनिक दूरी होने के बाद भी, जो गर्माहट बनी रही वह भारतीय सैनिकों के रक्त की गर्मी से है। भारतीय योद्धाओं के पराक्रम और साहस को समझने के लिए हाइपा युद्ध के पन्ने पलटने होंगे। हाइपा का युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा और अपनी तरह का आखिरी युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की साम्राज्य से इजराइल के हाइपा शहर को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिकों को भेजा गया था। चूंकि हैदराबाद के निज़ाम द्वारा भेजी गई टुकड़ी में लगभग सभी सैनिक मुस्लिम थे, इसलिए ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने उन्हें सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा। निज़ाम के सैनिकों को युद्धबंदियों के प्रबंधन और उनकी देखरेख का काम सौंपा गया, रसोई का काम सौंपा गया, जबकि मैसूर और जोधपुर की घुड़सवार सैन्य टुकड़ियों को मिलाकर एक विशेष इकाई बनाई गई थी। तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की संयुक्त साधन संपन्न शक्तिशाली सेना के विरुद्ध भारतीय सैन्य दल का नेतृत्व जोधपुर के मेजर दलपत सिंह शेखावत ने किया, जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस और सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करने वाले मेजर दलपत सिंह शेखावत को हाइफा के नायक के रूप में जाना जाता है। हाइफा का युद्ध इसलिए बड़े युद्धों में शामिल है क्योंकि इस युद्ध में इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की विजय हुई थी। एक ओर तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना अपनी चौकियों पर मजबूती से जमी हुई थी, उनके पास तोप, बम और बंदूक सहित अत्याधुनिक हथियार थे, जबकि भारतीय सैनिकों ने उनका मुकाबला केवल तलवार और भालों से किया। उन्होंने पैदल और घोड़ों पर सवार होकर युद्ध न केवल लड़ा बल्कि अकल्पनीय विजय भी प्राप्त की। यह दुनिया के इतिहास में घुड़सवार सेना का अंतिम महान अभियान था। इसके साथ ही यह सैन्य इतिहास में एकमात्र घटना है जब घुड़सवार सेना ने सबसे कम समय में सुरक्षित और चाक चौबंद शहर पर कब्जा कर लिया। हाइफा पहुंचने के बाद जब ब्रिटिश सेना को दुश्मन की मोर्चाबंदी और ताकत के बारे में पता चला, तो ब्रिगेडियर जनरल एडीए किंग ने सेना को वापस बुला लिया था। ब्रिगेडियर का निर्णय उचित ही था क्योंकि तुर्की की सेना सुरक्षित और युद्ध की दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में थी, परंतु भारतीय योद्धा सेना को वापस बुलाने के निर्णय से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में किस मुँह से लौटेंगे।
अपने देश की जनता को कैसे बताएंगे कि शत्रु के डर से हमने मैदान छोड़ दिया। युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं माना जाता, इसलिए हम तो लड़कर यहीं वीरगति प्राप्त करना पसंद करेंगे। भारतीय सैनिक सीधे मौत के मुंह में जाने की इजाज़त मांग रहे थे। काफ़ी समझाने के बाद भी जब भारतीय सैनिक नहीं माने तब ब्रिटिश सेना के अधिकारी समझ गए कि ये असली योद्धा हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता। भारतीय योद्धाओं के दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस को देखकर उन्हें हमले की अनुमति दे दी गई। तलवार और भालों से सुसज्जित घुड़सवार और पैदल भारतीय सेना ने 23 सितंबर को सुबह 5 बजे हाइपा की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। भारतीय सेना का मार्ग माउंट कार्मल पर्वत श्रृंखला के साथ लगता हुआ था और किशोन नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ दलदली भूमि की एक पट्टी तक सीमित था। जैसे ही सेना 10 बजे हाइपा पहुंची, वह माउंट कार्मल पर तैनात 77 mm बंदूक से निशाने पर आ गई। परंतु भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे जवानों ने यहाँ बहुत सूझबूझ दिखाई। मैसूर लांसर्स की एक स्क्वाडन शेरवुड रेंजर्स के एक स्क्वाडन के समर्थन से दक्षिण की ओर से माउंट कार्मल पर चढ़ी। उन्होंने दुश्मनों पर अचानक आश्चर्यचकित कर देने वाला हमला करके कार्मल की ढलान पर 2 नौसैनिक तोपों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने दुश्मनों की मशीन गनों के खिलाफ भी वीरता के साथ शौर्य का प्रदर्शन जारी रखा। उधर 2 बजे बी बैटरी HAC के समर्थन से जोधपुर लांसर्स ने हाइपा पर हमला किया। मजबूत प्रतिरोध के बावजूद भी लांसर्स ने बहादुरी के साथ दुश्मनों की मशीन गनों पर सामने से ही आक्रमण किया। 3 बजे तक भारतीय घुड़सवारों ने उनके स्थानों पर कब्जा कर तुर्की सेना को पराजित कर हाइपा पर अधिकार कर लिया। भारतीय सैनिकों की कुशल रणनीति से प्राप्त अकल्पनीय विजय के कारण इस युद्ध को इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया गया है। फौजी पाठ्यक्रमों में इस युद्ध को पढ़ाया जाता है। मिस्र और फिलिस्तीन के सैन्य अभियान में भारतीय घुड़सवार सैन्य टुकड़ी की कार्रवाई को अद्वितीय बताया गया है। पूरे अभियान के दौरान घुड़सवार सेना की कार्रवाई के समान कोई अन्य युद्ध नहीं लड़ा गया था। मशीन गन की गोलियां भी बार बार तेजी से आगे बढ़ रहे घोड़ों को रोकने में असफल रही थीं। इसी तरह ब्रिटिश फौज का इतिहास नामक पुस्तक में इस युद्ध का विवरण दिया गया है। यह निश्चित रूप से विश्व के इतिहास में एकमात्र अवसर था जब एक सुरक्षित शहर पर तेजी से बढ़ती घुड़सवार सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसी तरह जनरल एलनवी ने अपने डाक के मुख्य भाग में विशेष रूप से भारतीय योद्धाओं और उनका नेतृत्व कर रहे मेजर दलपत सिंह शेखावत की वीरता का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं, जब मैसूर लांसर्स माउंट कार्मल की ढलानदार चट्टानों को पार कर रहे थे, जोधपुर लांसर्स धरती को रौंदते हुए दुश्मनों की मशीन गन पर चढ़ाई करते हुए शहर में तेजी से आए। वहां रास्तों पर बहुत से तुर्कों पर भालों से प्रहार किया। कर्नल ठाकुर दलपत सिंह ने वीरता के साथ आक्रमण का नेतृत्व किया। यहाँ यह बताना उचित होगा कि मिलिट्री क्रॉस का सम्मान ठाकुर दलपत सिंह को दिया गया और यह सम्मान उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान था। मेजर दलपत सिंह शेखावत के साथ ही कैप्टन अनूप सिंह और लेफ्टिनेंट सगत सिंह को भी वीरतापूर्वक लड़ने के लिए सर्वोच्च वीरता सम्मान मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। लगभग 2000 वर्ष से अपनी जन्मभूमि से बेदखल दुर्व्यवहार और अमानवीय यातनाओं के शिकार यहूदियों के लिए 23 सितंबर 1918 को तुर्की साम्राज्य से हाइपा शहर की मुक्ति का बहुत महत्व था। यूरोप सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में रह रहे यहूदियों ने जब हाइपा की मुक्ति का समाचार सुना तो वे खुशी से झूम उठे। उन्हें अपना संकल्प पूरा होते हुए दिख रहा था। दुनिया में यहाँ वहाँ फैले यहूदी अपनी मातृभूमि इज़राइल को पुनः प्राप्त करने के अपने संकल्प का प्रतिदिन स्मरण करते थे। प्रत्येक यहूदी दूसरे यहूदी से विदा लेते समय यह कहना कभी नहीं भूलता था कि अगली सुबह अगली मुलाकात यरूशलम में होगी। हाइपा की मुक्ति से उन्हें अपना स्वप्न पूरा होता दिख रहा था। इज़राइल से निष्कासन के बाद यहाँ वहाँ गुजर बसर कर रहे यहूदियों ने सन 1919 में हाइपा में पहुँचना प्रारंभ कर दिया था।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने लिए अलग देश इसराइल की मांग जोर शोर से उठाना प्रारंभ कर दी थी। अंततः यहूदियों के प्रयास रंग लाए और 30 साल बाद वह दिन आ गया जब उन्हें 1948 में अपना देश इसराइल प्राप्त हुआ। हाइपा शहर की मुक्ति के बाद भी भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैनिकों के साथ मिलकर पूरे इसराइल को मुक्त कराने के लिए कुछ और लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसराइल की आज़ादी के लिए लड़े गए विभिन्न युद्धों में लगभग 900 साहसी भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। भारत के प्रति इसराइल का जो कृतज्ञता का भाव है, संभवतः उसके पीछे इन्हीं महान योद्धाओं का बलिदान है। भारत और इसराइल के बीच ये रक्त संबंध ही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसराइल पहुंचे, पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इसराइल गया, तब वे हाइपा युद्ध में वीरगति प्राप्त किए इन सैनिकों के समाधि स्थल पर जरूर पहुंचे, अवश्य पहुंचे और उन अपने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस से दुनिया को परिचित कराया, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। जिस तरह इसराइल अपने बच्चों को साहसी बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में हाइपा युद्ध और भारतीय सैनिकों के शौर्य का पाठ पढ़ाता है, उसे देखते हुए भारत सरकार को भी अपने यहाँ पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में इन वीर गाथाओं को स्थान देना चाहिए।